नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो आज स्वर्ण जयंती पार्क से हम आपको देश और दुनिया की और जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज और जितनी भी देश की बड़ी खबरें हैं वो सब कुछ बताएंगे यहीं। और आज क्योंकि संडे का दिन है तो स्वर्ण जयंती पार्क में भी ज्यादा हलचल है। यहाँ से हम एक्सरसाइज करते हुए आपको तमाम खबरें दिखाएंगे, आपके राज्य आपके शहर की खबरें होंगी। तो बने रहिए 2 घंटे के लिए हमारे साथ। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले की। जी हाँ, यहाँ सीबीआई की जांच जो है इस मामले में अब तेज हो गई है। सीबीआई जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। अस्पताल में कर्मचारियों और डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ गुनाहगारों पर शिकंजा कैसे कसना है इसकी तैयारी भी सीबीआई की तरफ से हो रही है। तो इन सबके बीच सीबीआई जो है वो हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कई ऐसे लोग हैं जो सवालों के घेरे में अब सामने आ चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता की लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है। रेप और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने अस्पताल से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर चुकी है। 3D लेजर स्कैनर से जांच कर मौका वारदात से सबूत जुटा चुकी है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के हर एक सेकंड की बारीकी से जांच कर रही है। तो वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से मैराथन पूछताछ भी जारी है। संदीप घोष को लगातार तीसरे दिन यानी आज भी तलब किया गया है। सीबीआई की टीम ने आज सुबह 11 बजे पूर्व प्रिंसिपल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई 25 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष वही शख्स है जिसने लेडी डॉक्टर की सुसाइड की थियरी दी थी। बताया जा रहा है कि इसी के कहने पर हॉस्पिटल ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। इतना ही नहीं, संदीप घोष पर पीड़िता की कभी 36 घंटे तो कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी लगाने का आरोप है। इसी बीच सीबीआई की जांच टीम विधाननगर स्थित कोलकाता आर्म्ड पुलिस फोर्स की 4th बटालियन के बैरक भी पहुंची, जहां गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का काफी आना जाना था। सीबीआई टीम ने यहां से सबूतों को जुटाया और अब बैरक में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करेगी। ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेपिस्ट साइको तो नहीं, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई अब केस के आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट कराएगी। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की टीम टेस्ट करने के लिए दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर से दरिंदगी में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। सीबीआई लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास मिली डायरी से भी सबूतों को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि वारदात के समय ये पन्ने फटे हों। डायरी के पन्नों को जिस तरह से फाड़ा गया उससे शक गहरा रहा है कि डायरी में कुछ लिखा तो नहीं था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीबीआई को कुछ लीड भी मिली है, इसलिए कहा जा रहा है कि अब लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त नहीं लगेगा और सच जल्द ही सामने आएगा। इसी बीच दिल्ली रेप केस की पीड़ित निर्भया की मां ने सीएम ममता बनर्जी से मांग की है कि वो मुद्दों से ध्यान न भटकाकर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। मैं जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय की जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तबादले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आप इस पे काम करिए, आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए और बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे काम।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस ने जैसी भूमिका अब तक निभाई वो संदिग्ध है। रेप और हत्या के इस मामले में सबूत मिटाने की साजिश का बड़ा खुलासा भी हुआ है। अस्पताल में तोड़फोड़ की साजिश को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमलावरों को अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ करने का निर्देश दिया जा रहा है जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी। यानी इस भीड़ का मकसद और मंशा साफ है कि वो सेमिनार हॉल से गुनाह के सबूत मिटाना चाहते थे। 30 सेकंड का ये वीडियो गहरी साजिश का इशारा करता है। सवाल है कि इस भीड़ का रिमोट किसके पास था, कौन थे ये लोग जो नहीं चाहते थे कि सच सामने आए। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास रविवार से भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। शनिवार देर रात इसे लेकर आदेश जारी किया गया। मेडिकल कॉलेज के आसपास अगले 7 दिनों यानी 24 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इन इलाकों में किसी भी रैली या विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कोलकाता पुलिस के इस फैसले से ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर डॉक्टरों की हड़ताल पर इसका असर देखने को मिल सकता है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद में आज भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 188 ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें सीए के तहत नागरिकता प्रदान करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। तो आज अहमदाबाद में भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 188 शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता जो है प्रदान करने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। बीते 15 दिनों की अगर बात करें तो इसमें योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दौरा है अयोध्या का। 15 दिनों के भीतर तीसरी बार अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय भी जाएंगे, मेले की शुरुआत करने वाले हैं। 65,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इस रोजगार मेले में 100 प्रतिष्ठित कंपनियां जो है वो भाग ले रही हैं। युवाओं को साक्षात्कार लेकर उन्हें रोजगार जो है दिया जाएगा। कहा है कि रोजगार मेले के जरिए योगी युवाओं को साधेंगे और साथ ही मल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर के रणनीति भी बनाएंगे। योगी के पास मल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूसीसी पर पीएम के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है यूसीसी लाने का प्रयास जो है वो अस्वीकार्य, लाल किले से पीएम का आह्वान जो है वो गलत है, ये एक सोची समझी साजिश है। पीएम ने सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया था लाल किले के प्राचीर से। इस बात को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। यूसीसी लाने का प्रयास जो है वो अस्वीकार्य बताया गया है, साथ ही ये कहा गया है कि एक सोची समझी साजिश है। Because when you say no to what has been thought, you say yes to what's unthinkable.
meet the unthinkable. Citroen Basalt. Movement that inspires. ब्रश करते समय खून आना, खाते समय मसूड़ों में तकलीफ और सांसों की दुर्गंध, ये प्लाक बैक्टीरिया के कारण होने वाली मसूड़ों की समस्याओं के तीन लक्षण हो सकते हैं। चुनिए पैरोडोंटैक्स, ये है प्लाक बैक्टीरिया हटाने में चार गुना ज्यादा असरदार। पैरोडोंटैक्स, द गम एक्सपर्ट्स। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है। पहले ही दिन फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इस कमाई के साथ प्रभास की कल्की के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। दर्शक तो दर्शक, बॉलीवुड सेलेब्स भी फिल्म को देखने जा रहे हैं। कृति और वरुण के साथ साथ अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर फिल्म देखने पहुंचे। थिएटर के बाहर उन्हें स्पॉट किया गया। थलापति विजय की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विजय ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया, साथ ही थलापति ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा किया। ट्रेलर 17 अगस्त को शाम 5 बजे रिलीज किया जाएगा। नए पोस्टर की बात करें तो उसमें विजय का इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न का रंगारंग आगाज हुआ। फेस्टिवल की तस्वीरें हाल ही में आई जिसमें कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन टीम के साथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही फिल्म मेकर करण जौहर भी हैं। बता दें, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का 15वां सीजन 15 से 25 अगस्त तक हो रहा है। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी शिरकत की। कोलकाता रेप केस मामले में बिग बॉस फेम मुनव्वर फारूकी के सब्र का बांध टूट गया। 12 सेकंड के वीडियो में ऐसी बात कही कि सुनकर रूह कांप जाएगी। वो गुजरती रही है इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से, वो जलती आई है जमानों से, वो आज फिर से डर के घर आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है तो कोई कहता है बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको तो कोई कहता है मुबारक हो आपके घर बेटी हुई है। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेले निकली थी, ये कैसा तर्क है। वो जानवर है, उम्र वक्त कपड़े उसके लिए क्या फर्क है। जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई है। मुबारक हो आपके घर बेटी हुई है। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती, ये वीडियो इसी की गवाही दे रहा है। देखिए कैसे एक शख्स दिव्यांग होने के बावजूद सिर्फ अपने एक ही पैर से शानदार डांस कर रहा है। अपने एक ही पैर से कई तरह के डांस स्टेप सिखा रहा, फिर देखते ही देखते ही अचानक अपने हाथों के सहारे पैरों को नचाने लगता है, जिस पर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक जिम सेंटर के अंदर दो बच्चे एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। दोनों बच्चों ने अपने हाथों को जमीन पर रखा है और अपने पैरों को हवा में चारों तरफ घुमा रहे हैं। इतना ही नहीं, पैरों के सहारे कई तरह के करतब भी दिखाते हैं। ऐसे में लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा स्टेप वाकई लाजवाब है। ये वीडियो दिखने में जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए कैसे एक लड़की बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रही है। कभी बाइक को गोलाकार नचाती है, तो कभी बाइक के आगे वाले पहिए को हवा में उठा रही है, तो कभी बाइक के पीछे वाले पहिए के सहारे स्टंट करती है, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये शख्स अपने एक्सरसाइज से लोगों को दीवाना बना रहा है। देखिए कैसे लोहे की रॉड पर तरह तरह के करतब दिखा रहा है। कभी एक रॉड से दूसरे रॉड पर जा रहा है, कभी अपनी पूरी बॉडी हवा में उछाल देता है और फिर आखिरी में रॉड को क्रॉस कर जमीन पर खड़ा हो जाता है।
ऐसी एक्सरसाइज देख यूजर्स इसकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। इस वीडियो में एक जिम सेंटर के अंदर दो लोग नजर आते हैं, तभी अचानक दोनों एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक कई वार करते हैं, कभी बॉक्सिंग करते हैं तो कभी जिमनास्ट, और फिर पहला शख्स दूसरे शख्स को जमीन पर गिरा देता है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय, सभी राज्यों को हर दो घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट भेजने का आदेश। सुरक्षा के लिए डॉक्टरों की पीएम मोदी से गुहार। डॉक्टरों के आक्रोश से बैकफुट पर ममता सरकार, चंद घंटों बाद 42 डॉक्टरों के ट्रांसफर के आदेश लिए वापस। बीजेपी बोली डॉक्टरों को डराना चाहती है ममता सरकार। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ ही इंडी गठबंधन में दरार, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट बंटवारे को नहीं तैयार। अगले हफ्ते कश्मीर जा रहे हैं राहुल गांधी से उम्मीद। नोएडा में समाजवादी पार्टी के करीबी पप्पू यादव गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी जमीन बेचने का आरोप। हिस्ट्री शीटर पर पुलिस ने रखा था 25,000 रूपए का इनाम। एमपी में छात्राओं के लिए चलाई गई हाइजीन योजना के लिए सीएम मोहन यादव की यूनिसेफ ने की तारीफ। राज्य सरकार ने 19 लाख छात्रों को सैनिटरी नैपकिन के लिए दिए थे 57 करोड़। Sensodyne Rapid Relief ke saath. Because when you say no to what has been thought, you say yes to what's unthinkable. Meet the unthinkable. Citroen Basalt. पानी का प्रॉब्लम है। मैं तो कपड़े से दो बार छान कर देती हूँ। सर का कपड़ा हटाना है तो पहले नल का कपड़ा हटाओ। करेक्ट, ये देखिए कपड़े से छाना हुआ पानी, इसीलिए एक्वागार्ड जो पानी में छुपे वायरस और बैक्टीरिया को निकालता है। एक्वागार्ड, पानी साफ तो हम सेफ। सर, हाउ वाज द टेस्ट ड्राइव? Badass. New Seltos. Tech is now badass. Kia, movement that inspires. इस वीडियो में एक पल के लिए सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन महज कुछ सेकंड के अंदर ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। देखिए कैसे निर्माणाधीन घर में काम चल रहा है और कुछ मजदूर मचान पर खड़े हैं, तभी मचान टूट जाता है और सारे मजदूर नीचे गिर जाते हैं, इन्हें गंभीर चोटें आती हैं। यकीन मानिए पैराग्लाइडिंग का ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए कैसे एक आदमी पैराग्लाइडिंग करने के लिए जैसे ही पैराशूट से आगे बढ़ता है, तभी अचानक पैराशूट खराब हो जाता है। पहले ये जमीन में कुछ देर तक घिसटता हुआ जाता है और फिर सामने नदी के पानी में भी इसके साथ ऐसा ही होता है। स्केटिंग करना अपने आप में कैसे भारी पड़ सकती है, इस वीडियो को देखकर समझिए। वीडियो में एक लड़का खड़ा दिखता है और फिर ये स्केटिंग करने लगता है। स्केटिंग करता हुआ जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी सामने सीढ़ियों पर बने रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करता है और इसका पैर फिसल जाता है और ये सिर के बल नीचे जमीन पर जा गिरता है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसा। देखिए कैसे दीवार पर एक आदमी लुंगी डांस करता हुआ नजर आता है। ये दीवार से नीचे कूदकर दीवार पर रखे मचान पर भी लुंगी डांस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये नीचे गिर जाता है।
इस वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। इस वीडियो को भी अब जरा देख लीजिए। एक युवक जिम सेंटर के अंदर आता है, पहले तो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखता है और फिर हाथों के सहारे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेता है और फिर तरह तरह के एक्सरसाइज स्टेप्स दिखाता है। वीडियो को अब तक लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ। जो है महाराष्ट्र के नासिक में रैली निकाली गई थी जिस दौरान बड़ा बवाल हुआ है। हिंदूवादी जो संगठन थे उसके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था। और शांति रैली पर जो हमला हुआ है उसका वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जिस बवाल की वजह से महाराष्ट्र का नासिक शुक्रवार को हिंसा की आग में जल उठा था, उस बवाल की साजिशों के गुनहगारों का चेहरा सामने आ गया है। हिंसा की साजिश कैसे रची गई उसका खुलासा हो गया है। नासिक में हुई हिंसा से पहले के बवाल का ये सीसीटीवी वीडियो है। इस वीडियो को गौर से देखिए कैसे कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे लोगों पर हमला बोल दिया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि समुदाय विशेष के लोगों ने अचानक रैली निकाल रहे लोगों पर धावा बोल दिया और रैली में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि हमले की प्लानिंग पहले से ही थी। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला था। इस दौरान समर्थन में वो लोग दुकान बंद करने की अपील कर रहे थे जो समुदाय विशेष के लोगों को नागवार गुजरा। जैसे ही मार्च शहर के भद्रकाली इलाके में पहुंचा तो मार्च निकाल रहे लोगों पर हमला हो गया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया और सड़क के दोनों तरफ से लोग पत्थर फेंकने लगे। नासिक में हिंसा की साजिश रचने वालों का चेहरा सामने आ चुका है। जल्द ही इस साजिश के मास्टरमाइंड के चेहरे का भी पर्दाफाश हो जाएगा और फिर इन बवालियों के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। अगली खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। भारी बारिश के बाद हालात वहां बद से बदतर हो चुके हैं और जरा सी लापरवाही जान पर कैसे भारी पड़ सकती है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। पानी बेहिसाब है, लहरों का तूफान है, जिंदगी की तलाश है। नदी के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा है, प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, तो वहीं एसडीआरएफ के जवान तूफानी सैलाब के बीच जिंदगी की तलाश में जुटे हुए हैं। पानी का प्रवाह काफी तेज है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जिंदगी की जद्दोजहद की ये तस्वीर पिंक सिटी जयपुर की है। चाकसू के कृपा रामपुरा गांव में बांडी नदी पर बने एनिकट पर चाचा और भतीजा नहाने गए थे, इसी दौरान दोनों सैलाब में बह गए। हालांकि भतीजा बबूल के पेड़ पर अटक गया जिसे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि चाचा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। चाकसू के विधायक राम अवतार बैरवा भी पहुंच गए। एसडीआरएफ के जवानों ने घंटों तक तलाशी अभियान चलाया लेकिन 35 वर्षीय गणेश शर्मा का कोई पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। और यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक्शन देखने को मिला है पुलिस का। रेप के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने धर दबोचा है। घटना के 5 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने शनिवार रात करीब 8 बजे एक महिला के साथ हैवानियत की थी और पुलिस ने आरोपी के पास एक देसी तमंचा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो पास कर रहा है वो कैसा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के फिरोजाबाद से, जहां 5 घंटे के भीतर ही रेप का आरोपी जो है उसे पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल खबर जो मिल रही थी उसमें ये बताया जा रहा है शनिवार की रात 8 बजे
एक महिला के साथ दरिंदगी की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी तमंचा और कारतूस जो है वो भी बरामद किया है। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है, यानी जिसे पकड़ा गया है क्या वो पहले भी किसी तरह की अपराध की घटना में शामिल तो नहीं रहा है, इसके बारे में पुलिस जो है छानबीन कर रही है। और अगली खबर आपको अंकलेश्वर से बताने जा रहे हैं, जहां पर जीआईडीसी के केमिकल प्लांट में इतनी भीषण आग लगी कि पूरे शहर में कोहराम मच गया। दरअसल भरूच के इस केमिकल प्लांट में बार बार आग क्यों लगती है, क्या आग से निपटने के लिए प्लांट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं या मैकेनिज्म नहीं है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं, दूर दूर तक पीले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं आग लगने के बाद पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम अभी नहीं पहुंची है। दरअसल भीषण अग्निकांड की यह घटना गुजरात के भरूच की है, जहां एक बार फिर से अंकलेश्वर जीआईडीसी में केमिकल कंपनी में आग ने कहर बरपाया है। बताया जा रहा है कि केमिकल प्लांट में गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से प्लांट में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया, जिस वक्त यह हादसा हुआ प्लांट के अंदर कई कर्मचारी मौजूद थे। ऐसे में लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कंपनी की सेफ्टी टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। और चलिए अगली खबर जो है वो लखनऊ से है। आपको बताते भारी बारिश की वजह से यहाँ पर हालात जो है वो खराब हो रहे हैं और नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल थोड़ी सी बारिश क्या हुई, लखनऊ की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है हर बार कि लखनऊ में थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कें जो है वो दरिया में तब्दील हो जाती है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सिस्टम के नाकामी के निशान है, सरकारी दावों की पोल खोल रही है ये तस्वीरें। रोड टैक्स के नाम पर सरकार मिडिल क्लास की जेबें तो काटती है, लेकिन फिर भी उन्हें पानी में चलने पर मजबूर होना पड़ता है। हम सरकार और सिस्टम की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कें क्यों दरिया बन जाती हैं। पानी से लबालब ये सड़कें लखनऊ की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। ये सड़क लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन तक भी जाती है। ऐसे में जल भराव से लोग परेशान नजर आए। लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में सड़कों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। नगर निगम की लापरवाही के चलते चंद घंटों की बारिश में पूरा शहर डूबने लगता है। वहीं मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक ऐसा कारनामा दिखाया जिसे देखेंगे आप भी सुनेंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा। दरअसल 15,000 फीट की ऊंचाई पर पोर्टेबल अस्पताल पहुंचा करके इतिहास रच दिया है सेना ने। इस अस्पताल की खासियत क्या है दिखाते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में। हिंद की ताकत देख दुनिया दंग, 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया अस्पताल, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। दिलों में हौसलों का तूफान लिए फिरता हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, पानी से भी दिए जलाने का हुनर लिए फिरता हूँ, मैं भारतीय सेना हूँ। दुनिया करती जिसे सलाम, वो है भारत का सैनिक महान, रणभूमि में दुश्मन को जो चटाए धूल, वो है भारत का जवान। जी हां, हिंद के रणबांकुरों ने कमाल कर दिया है। भारतीय सेना ने एक अहम पैरा ड्रॉप अभियान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइंट मिशन में कामयाबी हासिल की है। इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है। भारतीय वायुसेना ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सही तरीके से पैरा ड्रॉप करने के लिए C-130 J सुपर हरकुलस विमान का इस्तेमाल किया।
आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल की खासियत पर नजर डालें तो यह दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। 72 क्यूब से बना है आरोग्य मैत्री अस्पताल। 200 से अधिक रोगियों का इलाज हो सकता है। पोर्टेबल हेल्थ क्यूब आपात स्थिति में मददगार साबित होगा। सिर्फ 12 मिनट में इसे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2023 में ग्लोबल साउथ समिट में आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी और इतने कम समय में उस परियोजना को जमीन पर उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश से खबर है जहां मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मदरसों में गैर मुस्लिमों को मजहबी तालीम देने पर उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। जी हां, जानिए मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मदरसों पर क्या और कैसे कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में मदरसों में अगर गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। गैर मुस्लिम बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना मजहबी तालीम देने पर मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर बच्चों के नाम धोखाधड़ी से मदरसों में दर्ज किए गए हैं तो उनका अनुदान रोक दिया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि मदरसे किसी गैर मुस्लिम बच्चे को जबरदस्ती मजहबी तालीम नहीं दे सकते। पहले जांच कराई, 56 मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। फिर बाद में जांच के दौरान ये बात आई कि हिंदू बच्चे हजारों की संख्या में मदरसों के अंदर पढ़ने जाते हैं। क्यों किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर बगैर उसकी इच्छा के, बगैर पालकों की सहमति के, या जब तक उनका मन ना हो, किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। और ये अगर आप करते हो तो ये नियमों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य सरकार ने इस फैसले के पीछे संविधान के अनुच्छेद 28(3) का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसे संस्थान में या उससे जुड़े किसी परिसर में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति या यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी शिकायत मिली थी कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए कई गैर मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी तरीके से मदरसों में दर्ज किए गए हैं। इस साल जून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में 9,000 से अधिक हिंदू बच्चे इस्लामिक मदरसों में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से मदरसों के सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। अब जब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मदरसों के वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया गया तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून गो ने अपनी खुशी जताई। आने वाले दिनों में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लिहाजा इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक आधार पर लिया गया फैसला बताया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की तोहमत जड़ दी। बीजेपी ने सवाल उठाने वालों से पूछा कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़े ही क्यों और उन्हें मजहबी तालीम देने की जरूरत ही क्या है। केवल सरकार की नाकामी है, कुछ कर नहीं पा रही तो मदरसे को हाईलाइट करो। अभी मदरसे चलने दो, कुछ दिन मदरसा चलेगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। कि बच्चों को वैसे भी बिना फैमिली के कंसर्न के नहीं पढ़ाया जाता, और अगर कोई बच्चा कोई चीज शिक्षा कोई सी भी ग्रहण करना चाहता है, स्वेच्छा से करना चाहता है, तो उसके ऊपर आप क्यों प्रहार करना चाहते हो, उसकी शिक्षा क्यों रोकना चाहते हो? आप बताइए, दूसरे धर्म में किस तरह ऐसे कोई पढ़ाई के स्थान होते हैं क्या? आप एक स्थान बता दीजिए जिसमें कि कोई गैर धर्म वाले को उस धर्म की पढ़ाई कराई जाती है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति को कहां तक ले जाना चाहती है। क्या कांग्रेस इस देश में वैमनस्यता फैलाना चाहती है? बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा जैसे जिलों के मदरसों में सरकारी अनुदान हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद श्योपुर के 80 में से 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई थी और अब मोहन सरकार के इस फरमान के बाद
पूरे राज्य में मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। सरकार ने मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद ऐसे मदरसों पर गाज गिरनी तय है।